नमस्कार, मैं श्यामली आपका इजी होम रेसिपीज में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बिल्कुल होटल स्टाइल घर में चिल्ली चिकन, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन चिल्ली बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 kg बोनलेस चिकन। ये चिकन ब्रेस्ट है। अगर आप चिकन को बोनलेस करना चाहते हैं तो नाइफ से घर पे भी चिकन को बोनलेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे काट लेते हैं। हम इसे इक्वल शेप में काटेंगे। चिकन को इस तरह से काट के हम बीच से भी दो टुकड़े में काट लेते हैं। वैसे ही सारे चिकन काट लेंगे। हमने एक साइज में चिकन के पीसेस को काट लिया है। अगर आप थोड़ा छोटा काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। अब हम एक बॉल लेते हैं, एक अंडा तोड़ के डालते हैं, 1/2 teaspoon काली मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon नमक, 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon सोया सॉस, 1/2 cup मैदा, 1/4 cup कॉर्नफ्लोर यानी अरारोट। क्वांटिटी हमारी ये रहेगी कि 1/2 cup मैदा और उससे 1/2 हमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना है। इसे भी डालते हैं। सारे सामग्री को हम स्पून से पहले मिला लेते हैं। 1 tablespoon रिफाइन ऑयल, 1/2 teaspoon विनेगर, आप विनेगर के बदले लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक थिक बैटर रेडी करेंगे। हमने थिक बैटर रेडी कर लिया है। अब हम इसमें चिकन के पीसेस डालते हैं और अच्छे से इसे कोट करेंगे। हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। याद रखिए, हमें बैटर को थोड़ा थिक रखना है क्योंकि जब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे तो चिकन से भी पानी अलग हो जाएगा। तो इसे हम फ्रिज में 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रखते हैं। चिकन चिली की ग्रेवी में हम इस्तेमाल करेंगे 4 मीडियम आकार के प्याज, जिसे मैंने छील लिया है, 1 शिमला मिर्च, 4 हरी मिर्च, 1 tablespoon चॉप गार्लिक, लहसुन को मैंने बारीक काट लिया है, 2 इंच घिसा हुआ अदरक। शिमला मिर्च को हम 4 टुकड़ों में पहले काट लेते हैं, बीच का पार्ट हटा लेते हैं। सब्जियों को आप रेक्टेंगल या क्यूब काट सकते हैं। इसी प्रकार हम काट लेंगे। हमने काट लिया, इसे साइड में रखते हैं। प्याज को हम 4 टुकड़ों में काटते हैं और इसके लेयर हम निकालते जाएंगे। ये जो बीज का पार्ट निकला है, हम इसे नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी दूसरी सब्जी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च को हम नाइफ को तिरछा ले जाके इस प्रकार से काटेंगे। 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने रिफाइन ऑयल डाला है। तेल हमारा मीडियम गरम हो चुका है। हमें बहुत अधिक गरम तेल में अपने चिकन के पीसेस को फ्राई नहीं करना है। स्पून या फोक पर हम चिकन पीसेस को इस प्रकार से रखेंगे और धीरे धीरे ऑयल में डालेंगे। फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। चिकन को हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना है। हमने चिकन को उलटते हुए 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। इसी टाइम हम इसे दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। हमने सारे चिकन के पीसेस को फ्राई कर लिया है। हम इसे 10 मिनट रेस्ट पे रखेंगे। देन अगेन हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ऐसा करने से हमारा चिकन का पकौड़ा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रेडी होगा। 10 मिनट के बाद हम फिर से ऑयल को गर्म करेंगे
और 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। चिकन हमारा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, फ्राई हो चुका है। अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। चिकन हमारा पका है कि नहीं, मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ। चिकन बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसके ग्रेवी की तैयारी करते हैं। एक दूसरे बाउल में हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर या अरारोट लेते हैं, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, आप इसके बदले ग्रीन चिली सॉस भी ले सकते हैं, 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सारे सॉस में सॉल्ट होता है और चिकन पकौड़े में भी हमने सॉल्ट डाला था, इसलिए सॉल्ट आप कम ही डालें। 1/2 टीस्पून पेपर पाउडर, 1 टीस्पून विनेगर, आप इसके बदले नींबू का भी रस डाल सकते हैं, 1 पिंच ऑरेंज रेड फूड कलर, ये टोटली ऑप्शनल है, इससे टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस रंगत देता है, इसलिए आपकी इच्छा हो तो यूज़ करें अथवा ना यूज़ करें। मैं ये चिकन चिल्ली विदाउट MSG आपको बता रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। 1/2 कप पानी, सारे सामग्री को हम बहुत अच्छे से मिला लेते हैं। आप भी इसी प्रकार से सॉस पहले रेडी कीजिएगा, ऐसे आपको चिकन चिली बनाने में ज़रा भी परेशानी नहीं आएगी। ये तैयार है, अब हम पैन चढ़ाते हैं। पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन अवेलेबल है तो उसका भी आप इस्तेमाल ज़रूर करें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ऑयल में हम 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक डालते हैं, यानी कटी हुई लहसुन डालते हैं, 2 इंच घिसा हुआ अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिक्स कर लीजिए। फ्लेम हमारा हाई रहेगा, 30 सेकंड के बाद हम इसमें शिमला मिर्च डालते हैं, प्याज, अच्छे से मिला लीजिए। 2 मिनट के लिए हमें हाई फ्लेम पे सब्जियों को कुक करना है, सब्जियों का कलर भी नहीं चेंज होना चाहिए और सब्जी पूरी तरह से पकी हुई भी नहीं होनी चाहिए। सब्जी हमारी अच्छे से हल्का सा फ्राई हो गई है, इसी टाइम हम इसमें चलाते हुए जो हमें सॉस और कॉर्नफ्लोर मिक्सचर रेडी किया है इसे डालते हैं, मिला लीजिए। 1 मिनट हम चलाते हुए पका लेते हैं। अगर आपको चिकन चिली ग्रेवी वाली पसंद है तो इसी टाइम इसमें थोड़ा और पानी आप डाल सकते हैं। मैं अभी ड्राई चिली चिकन बना रही हूँ। हमने सारा सॉस एक साथ निकाल लिया था तो चिकन चिल्ली ऐसे बनाना बहुत आसान हो गया, आप भी इसी प्रकार से बनाइएगा। सॉस हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है क्योंकि चिकन का पकौड़ा डालेंगे तो पानी ऑब्जर्व कर लेगा। फ्लेम को हम बंद करते हैं और अब हम चिकन का पकौड़ा डालते हैं, कटी हुई धनिया पत्ती मैंने 1 चम्मच डाला और अब इसे मिला लीजिए। ऐसा करने से हमारा चिकन का पकौड़ा क्रिस्पी रहेगा। अच्छे से हम इसे टॉस कर लेंगे। हमारा चिकन चिली रेस्टो स्टाइल बहुत ही ज़्यादा लजीज रेडी हुआ है, मैं इसे सर्व करती हूँ। हमारा चिली चिकन रेडी हो चुका है, इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने कीमती सुझाव देना ना भूलें। बाय एंड टेक केयर।